हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि एक टेक्सविन सॉफ्टवेयर जो क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है उसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टेक्सविन का ये जो आइकन दिया हुआ है इसमें डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। अब देख सकते हैं कि जब ये ओपन होता है थोड़ी सी प्रोसेसिंग करता है। ओपन होने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। स्क्रीन के ऊपर कई सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि टूल्स, जिसके नीचे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेंट, स्टैम्प, लाइन, शेप ऑप्शन, टेक्स्ट टूल, लेबल टूल, फिल टूल, मैजिक टूल, अंडू टूल, रीडू टूल, इरेजर टूल, न्यू टूल, ओपन टूल, सेव टूल, प्रिंट टूल, क्विक टूल, इन सब का अलग अलग यूज़ होता है। जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसके सामने उसके ब्रशेस की ऑप्शंस आ जाती हैं, जिनमें आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस को चूज करके अपनी पेंटिंग को बना सकते हो। इसके साथ साथ आप चेक कर सकते हैं इसके बॉटम पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कलर चूज करने की ऑप्शंस होती हैं। और ये जो फ्रंट पे दिया हुआ है जिसको आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये मेन प्रोजेक्ट के लिए होता है जहाँ आप अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। इरेजर की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे किया हुआ वर्क हटा सकते हैं जो भी आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पेंट टूल से। पेंट टूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसमें कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आप चेक कर सकते हो, जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे और उसको कैनवस के ऊपर क्लिक करोगे तो उस ऑप्शन से रिलेटेड ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट नज़र आ जाता है। आप चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि जो जो चीज़ें, जो जो ऑप्शंस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सभी ऑप्शंस आपके यहाँ पर शो हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट है, अगर आप इसको ड्रैग करते हो मतलब साथ में, तो ये देखिए ये पूरा पोर्शन इसे प्रिंट हो जाता है। बहुत इजी वे है टेक्स्ट पेंट में पेंटिंग बनाने का। जो भी टास्क आपने किया है आप उसको रेज करना चाहते हैं तो आप इरेज टूल का यूज़ कर सकते हैं। इरेज टूल की हेल्प से आप जो भी टास्क आपने किया है इसके ऊपर या जो भी वर्क आपने किया है इसके ऊपर उसको आप रिमूव कर सकते हैं। पेंट टूल के बाद आप देखें ऑप्शन आ रही है स्टैम्प टूल की। स्टैम्प टूल बेसिकली यूज़ में लाया जाता है कि टक्स पेंट पे बनाई गई जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट को अगर आप एक लोगो देना चाहते हो, एक स्टैम्प देना चाहते हो, तो आप यहाँ से स्टैम्प चूज कर सकते हो। इसको जहाँ भी आप प्लेस करोगे वहाँ टक्स पेंट का लोगो आपको नज़र आ जाएगा। और किसी को भी चूज़ कर सकते हो उनमें से, ये जो छः ऑप्शन दी हुई हैं आप चेक कर सकते हैं। चेक इट, ये देखिए राइट। इसके बाद आपको दी हुई है लाइन्स टूल। लाइन्स टूल के अंदर ऑप्शन सेम ही है जैसे पेंट में दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है कि जब आप इनको कंटिन्यूसली आप देते हो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, पेंट टूल में जब आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आप अगर सीधी लाइन में डालना चाहें तो आप उसको मूवमेंट दे सकते हो, यानी ज़िगज़ैग भी बना सकते हो। लेकिन लाइन टूल के अंदर आप जब ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ये स्ट्रेट लाइन में ही आपको ऑप्शन देगा, आप इसको ज़िगज़ैग नहीं कर सकते। ये देखिए क्रॉस लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन में ऑप्शन देता है राइट। किसी भी चीज़ को आप कह लीजिए, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन में ऑप्शन देता है। एक बार मैं इसको दोबारा से रेज कर देता हूँ, आप चेक कीजिए दोबारा। ये देखिए जब हम पेंट पे करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इस कैट को, जो कैट की ऑप्शन दी हुई है, इसको हम ज़िगज़ैग करके कैसे भी मूव करा सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं आप ज़िगज़ैग बना सकते हो। लेकिन जब हम लाइन टूल यूज़ करते हैं और हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हम स्ट्रेट लाइन के लिए माउस के कर्सर को ड्रैग कर सकते हैं और कैट जो बनेगी वो स्ट्रेट लेवल पे ही आपके बनेगी। आई होप कि ये तीनों टूल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल पे आगे बढ़ते हैं जो कि है शेप टूल।
शेप टूल यूज करने से पहले इरेजर से इसको रब कर देते हैं। शेप्स में अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, अलग अलग शेप्स आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए यहाँ दो ऑप्शंस दी होती हैं, पहली कि आप ब्लैंक शेप दे सकते हैं इट्स लाइक दिस, दूसरा आप फिल्ड शेप दे सकते हो, फिल्ड मतलब जिसमें कलर भरा हो। आप कलर कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं रेड कलर देता हूँ तो रेड कलर भी आप चूज कर सकते हो, ये डिफरेंट कलर है, ये देखिए इसको भी आप चूज कर सकते हो। आप डिफरेंट इमेज आप ले सकते हो, यहाँ से ऑप्शन ले सकते हो, उसको भी कर सकते हो। चूंकि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैंक वाला चूज किया है तो यहाँ कलर नहीं फिल हुआ, और अगर आप इसको ये वाला चूज करते हैं तो कलर फिल हो जाएगा। चेक इट राइट। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले टूल, यहाँ और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे स्टार है, स्टार को आप कर सकते हो, फिल वाले को कर सकते हो। इस टूल की हेल्प से आप बना सकते हो एक अच्छी पेंटिंग आप बना सकते हो। हम लास्ट में एक अच्छी पेंटिंग बनाएंगे, पर उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि और भी टूल्स हैं, उन टूल्स के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हो, एक कार्ड बनाना चाहते हो, कार्ड बनाने के लिए आप टेक्स्ट दे सकते हो, टेक्स्ट से आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, मैं लिख देता हूँ माय नेम इज डैश 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 डैश। अब ये पर्पल कलर में क्योंकि यहाँ सिलेक्शन पर्पल में दिया हुआ है, अब ब्लैक करेंगे तो ब्लैक टेक्स्ट में आएगा है माय नेम इज राइट माय अलग अलग कलर चूज करके आप मेंशन। आप चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करेंगे आप। आगे बात करते हैं लेबल की। अब देखिए टेक्स्ट और लेबल में डिफरेंस क्या है, आप टेक्स्ट को इरेज कर सकते हो लेकिन अगर आप लेबल टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंडेक्स, एक हेडिंग हो गई जो फ्रंट पे रहेगी, आप उसको इरेजर से इरेज नहीं कर सकते, आप इरेजर से इसको इरेज नहीं कर सकते। तो लेबल और टेक्स्ट में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे वाले टूल्स के बारे में जानते हैं। आगे वाले टूल्स का नाम है फिल टूल। फिल टूल की हेल्प से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ब्लैक है, वाइट है, आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, ये देखिए डार्क ग्रे कर सकते हैं। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो नहीं हट रहा है, चाहे आप किसी भी कलर को करें, अगर ये वाइट कलर में आप वाइट भी करते हो तो भी इंडेक्स नहीं जा रहा है क्योंकि ये लेबल है। अब लेबल को हटाना हो तो उसके लिए आपको अनडू करना पड़ेगा, आप अनडू करके लेबल को हटा सकते हो, ये देखिए राइट। रीडू यानी आप वापस कर लें, अनडू यानी आप पीछे वाले इसको चले जाएं, राइट। इरेजर से इसको इरेज कर देते हैं और हम फिल टूल का यूज़ करते हैं। फिल टूल से आप किसी भी इमेज को फिल कर सकते हो, किसी भी शेप को फिल कर सकते हो। अब इसको वाइट करके हम एक शेप बनाते हैं, शेप हमने ली है ये, इसको फिल करना है तो आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। देखिए एक चीज़ आपने गौर की होगी, मैंने शेप दी और यहाँ नहीं आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी आउटलाइन वाइट कलर से हमने चूज़ किया हुआ है, ब्लैक कलर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शेप नज़र आने लगेगी, गॉट इट। और इसको फिल करेंगे अगर डिफरेंट कलर से तो वो फिल भी हो जाएगा। येलो करना चाहते हैं आप येलो कर सकते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं आप ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी। अब बात करते हैं मैजिक टूल की। मैजिक टूल के अंदर ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, इसके थ्रू आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी वाली ब्रिक्स भी दी हुई है, पूरा वॉल क्रिएट कर सकते हो।
बैक जाना हो या तो इरेज कर दीजिए या फिर अनडू कर दीजिए, जिससे सारा इरेज हो जाएगा। राइट, गॉट इट। सर्कल बना सकते हो आप। सॉरी, अभी इरेजर सेलेक्ट है इसलिए कुछ नहीं हो सकता। हम शेप टूल में चले जाते हैं और सर्कल बना देते हैं। फिल वाला बनाएंगे तो जो कलर होगा उसी कलर में वो फिल्ड होगा। अंडू कर देते हैं। ग्रेट, फिर इरेजर और न्यू। न्यू को हम बाद में देखते हैं। ओपन और सेव। जो भी प्रोजेक्ट, जितना भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो या कोई पेंटिंग बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक पेंटिंग बना के दिखाता हूँ। हमने फिल कलर से ब्लैक कलर को चूज़ किया। चूज़ करने के बाद शेप टूल लिया। शेप टूल में से हमने फिल वाला सेलेक्ट किया और वाइट कलर, ये बन गया हमारा मून। गॉट इट। यहाँ पे हम लोग स्टार भी लगा सकते हैं। व्हाइट कलर के स्टार होते हैं इसलिए व्हाइट कलर चूज कीजिए और व्हाइट कलर के स्टार्स आप दे सकते हो। यहाँ एक डिफरेंट देखिएगा, अभी ये आउटलाइन दिखा रहा है, बट अगर हम फिल वाला स्टार ले लेंगे तो ये फिल दिखाएगा। देख सकते हैं, अब यहाँ और भी अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहे तो और इसमें कर सकते हैं। ट्री भी बना सकते हो आप एक। एक छोटी सी पेंटिंग है, इसके अलावा आप अंडू करेंगे तो सारा रिटर्न हो जाएगा। आप अलग अलग शेप से अलग अलग चीजें बना सकते हो, जैसे बॉक्स बनाना हो तो आप बॉक्स बना सकते हो या अंडू कर दीजिए इसको। लाइन टूल की हेल्प से आप लाइंस भी बना सकते हो। अंडू कर दीजिए इसे। लाइन टूल्स की हेल्प से आप डॉट को सेलेक्ट करके यहाँ लाइन बना सकते हो और बॉक्स की शेप को आप कंप्लीट कर सकते हो। देख सकते हैं बॉक्स बन गया। राइट, स्टार भी बना सकते हो आप ऐसे ही। शेप टूल पे जाइए, चूज कीजिए, दोबारा चूज कीजिए, स्टार। अब प्रोजेक्ट को अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको सिर्फ सेव बटन पर क्लिक करना है। ये क्वेश्चन पुट अप करेगा आपसे, रिप्लेस द पिक्चर विद योर चेंजेस। जो ऑलरेडी सेव वाली पिक्चर थी आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो या फिर नई फाइल को लेना चाहते हो। नो, सेव अ न्यू फाइल। नहीं, फाइल को सेव किया और क्विक बटन से आप इसको क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आप न्यू प्रोजेक्ट को भी ओपन कर सकते हो और पुराने को भी ओपन कर सकते हो। न्यू को करेंगे तो न्यू शीट आ जाएगी। इसके बाद ऑप्शंस भी आपको देते हैं, जैसे ये ऑलरेडी यहाँ पे स्केचेस हैं, स्कल का स्केच लेते हैं। राइट, इसको ओपन किया करते हैं। आप इस पर कलर कर सकते हो, कलर कोई भी चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रे कलर हम ले लेते हैं या हल्का सा पिंकिश ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा लगे। इसमें कलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल कलर को लेना है और यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि ये स्कल जो है वो कलर हो चुका है। इसको सेव कर सकते हैं क्योंकि ये न्यू शीट है, अब आपको वो मैसेज नहीं देगा। ओपन करने के लिए आपके पास जो आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाए, ये मेरे पुराने प्रोजेक्ट हैं जो मैंने इस पर बनाए थे, आप इनको ओपन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय टेक पापा। ओपन करके आप इनको चेक कर सकते हो, पुराने जितने आपके हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये भी हमने बनाया था। नया बनाना हो तो हम न्यू पे जाएंगे।
राइट फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो टेक्स्ट पेंट के ऊपर जो बनी हुई है कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।